हेलो, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टर्निंग रेडियस की, कि टर्निंग रेडियस क्या होता है। सो कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम टाइम में और आसान शब्दों में आपको समझा सकूं कि टर्निंग रेडियस क्या होता है। टर्निंग रेडियस मतलब होता है गाड़ी का कम से कम डिस्टेंस के अंदर घूम जाना। मतलब गाड़ी जितने कम डिस्टेंस पे घूमती है वो उसका टर्निंग रेडियस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे 5.2 है, 5.2 है, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जो है उसने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया और 5.2 मीटर इसकी टर्निंग रेडियस है। इसका मतलब इसने सिर्फ जो इसकी दूरी रही है 5.2 मीटर के अंदर ही अंदर इसने अपना पूरा का पूरा जो सर्कल है वो बना लिया है। अब दूसरे डायग्राम के साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो गाड़ी का आउटर टायर है, जो लास्ट टायर है, वहां से ये रेडियस काउंट की है, क्योंकि वही लास्ट है। इसके बाद में तो फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गाड़ी गाड़ी जो है इसके नीचे की साइड में है पूरी, जो लास्ट टायर है उसके बाद में इधर वाला टायर है, फिर पीछे वाले टायर है, उधर कुछ भी नहीं है। तो जो लास्ट टायर होता है फ्रंट का, उसको ही उस उधर से ही इसकी मिनिमम जो टर्निंग रेडियस है वो काउंट की जाती है। तो वहां से जैसे ये गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाहर के जो टायर से लेके यहाँ तक का जो सेंटर है इसको बोलते हैं टर्निंग रेडियस। और लास्ट में एक और डायग्राम के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी जो है पूरा एक रिंग बनाई है गाड़ी ने, तो जिस रेडियस के साथ में उसने वो रिंग बनाई है ना, उस रेडियस को हम कहेंगे टर्निंग रेडियस। जैसे मान लो ये जो डायग्राम है ये 5.2 का है, जैसे ये जो रिंग बनी हुई है ये 5.2 मीटर की रिंग है, जो रेडियस है इसका 5.2 मीटर है। मतलब 5.2 मीटर अगर रेडियस किसी सर्कल की है तो उसके अंदर अंदर ये गाड़ी घूम जाएगी। तो ये होता है टर्निंग रेडियस। सो बेसिकली यही होता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर सोचना नहीं होता है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग होता है, जैसे कई गाड़ियों का 4.8 होता है, किसी का 5.1 होता है, 5.2 होता है। तो इसका मतलब इतने सर्कल के एरिए के अंदर ही ये गाड़ी घूम जाएगी। मतलब जितना कम टर्निंग रेडियस होगा इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी उतने कम एरिए में घूम जाती है। जैसे छोटी कार्स होती हैं, उन छोटी कार के अंदर कम टर्निंग रेडियस होता है। कम टर्निंग रेडियस होने की वजह से क्या होता है, वो गाड़ी जल्दी घूम जाती है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल मैं लेके चलूं कि अगर छोटी कार जैसे नैनो है, नैनो का टर्निंग रेडियस बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है नैनो कहीं भी, मतलब आप एक अगर सिंगल रोड पे भी हैं तो वहां पे भी वो टर्न ले सकती है। वहीं हम अगर कोई बड़ी गाड़ी की बात करें या फिर किसी बस की ही बात करें तो उसका टर्निंग रेडियस बहुत होता है। बस को घूमने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो उसका उतना ही टर्निंग रेडियस ज़्यादा होगा। तो ये दो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।